मतदान का बहिष्कार का ऐलान, पानी नहीं तो वोट नहीं की तर्ज पर विरोध, कलेक्टर से ग्रामीणों ने की शिकायत, समस्या समाधान का कलेक्टर ने दिया आश्वासन। उमरिया जिले के करकेली ग्राम के अंतर्गत ग्राम कठौतिया के ग्रामीणों ने खेती में पानी की समस्या को लेकर बीते दिन जिला कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्या बताई। ग्रामीणों ने बताया कि उनका गांव डिंडोरी जिले के सीमा से लगा हुआ है और जहाँ पानी की बेहद समस्या है। गांव के बगल से एक नहर निकलती है जो कि कठौतिया गांव में पानी की समस्या का हल कर सकती है, लेकिन कई बार शिकायत के बाद भी वर्षों बीत गए लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि समस्या का हल नहीं निकाला गया तो मतदान नहीं करेंगे। मामले में उमरिया जिले के कलेक्टर सोरोचित सोमवंशी ने एक टीम गठित कर ग्रामीणों की समस्या का जल्द समाधान करने की बात कही है। बेलगड़ा बंधान का पानी हमें कठौतिया तक भेजें, वह नहर नज़दीकी तौर पे आ गया है सगरामपुर, तो वो नहर का पानी कठौतिया में दे ताकि सींच का फसल को होए, वह पानी से हमें जीना है और हमारे सभी आम जनता वोट देने के लिए मना कर रहे हैं। ग्राम कठौतिया का हम वोट नहीं देंगे कहते हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेगा तो हम वोट नहीं देंगे, यह समस्या है ग्रामवासियों का। ग्राम कठौतिया का हूँ, ये समस्या है साहब, हम लोग आज 60 वर्ष के आसपास की उम्र हो चुका है, हमने वोट डालते डालते थक गए हैं। हमने कितनी मांग, कितनी आवेदन पत्र किए, भोपाल में जा जाके मुख्यमंत्रियों से भी मिले, हमारा यहाँ का समस्या हल नहीं हुआ। विशेष हमारा समस्या क्या है कि जो बेलगड़ा बंधान है डिंडोरी जिला से, वो आकर के ग्राम संग्रामपुर में तहसील जो है सहपुरा है, उससे करीब जो है हमारे उमरिया जिला का बॉर्डर है कठौतिया गांव, वहां से 1 किलोमीटर दूरी है। अब वो ऊपर की टीला पर जो है नहर है और नीचे की भाग हमारा गांव है, उधर का कटाव यदि कर दिया जाए, नहर बनावा दिया जाए तो पर्याप्त हमारे यहाँ पानी आ जाएगी। हम लोग क्या है कि वर्षा के अधीन हम लोग खेती करते हैं, उससे मजदूरी करते हैं और वर्षा सूख जाने से हमारी पूरी फसल ख़त्म हो जाता है, हम बेरोजगार हो जाते हैं, दूर दूर जाते हैं हम काम करने के लिए, अन्न के लिए भूखों मरते हैं, तो क्या करें। तो हमारे जो है कोई धंधा नहीं है, खेती मजदूरी अलावा हमारा कोई व्यवसाय धंधा रोजगार नहीं है साहब, इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब से आवेदन पत्र करने आए हैं कि हमारे मांगें पूरी हो तभी हम लोग वोट करेंगे, और नहीं हम नहीं करेंगे, जो 29 तारीख का वोटिंग होना है हम नहीं करेंगे, चाहे कोई कैसा भी करे, हम लोग शासन से हमारी लड़ाई है, हम लोग नेतों से हमने काफ़ी लड़ा, उससे हम लोग त्रस्त हो गए। हाँ, अभी सभी ग्रामवासी मेरे पास आए थे, उनसे मेरी चर्चा हुई है, उनका जो ये विषय संज्ञान में आ गया है, मैंने एक दल गठित कर दिया है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में टीम बना दी है, लोगों को आश्वासन दिया है कि जो भी उसमें सक्षम कार्रवाई बनती है उचित कार्रवाई वो हम करेंगे। पानी की आवश्यकता उनको गर्मी के पश्चात, वो धान लगाएंगे तो जून या जुलाई के आसपास पड़ेगी, लेकिन मतदान तो हमारा अभी है, तो हमने उनसे अनुरोध किया है कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और आपका जो आपकी जो समस्या है, जो आपके ग्रीवांसेस हैं, उसको हम लोग उसको न केवल प्रयास करेंगे बल्कि हम उसका निराकरण भी करेंगे। थैंक यू।